Hi everyone, in this video I'm going to solve exercise 2.2 from the chapter 2 class 10th polynomial. इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. यानी कि जीरोज तो फाइंड करने ही हैं पॉलिनोमियल के साथ में, हमें रिलेशन भी वेरीफाई करनी है कि जो रिलेशन है जीरोस के साथ कोफिशेंट की वो मतलब ठीक है या नहीं है. अगर आपकी ठीक नहीं निकलेगी वो कैसे वेरीफाई करेंगे, और ठीक नहीं निकलती है तो यानी कि आपने जो जीरोस फाइंड करे है वो गलत फाइंड करे है. पहले सबसे पहले जो स्टेप हमारा जीरोस फाइंड करने का, कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारी पहली पॉलिनोमियल रखी है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट रखा है हमारा इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे. तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8x स्क्वायर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 8x स्क्वायर आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे हमारा 2x आ जाए. तो कौन सा 8 किसकी टेबल में आता है, हमारा 2 की टेबल में आता है. यानी कि क्या आता है, 2 4 जा 8 होता है. यानी कि हमारे जो दो फैक्टर्स है अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2x भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, हमारा 8x स्क्वायर भी आ जाएगा. तो अब इसके दो फैक्टर्स होंगे हमारे 2x एंड 4x होंगे. तो आपको करना क्या है इसमें, सिंपली एक्स स्क्वायर और 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अब यहाँ ध्यान देना है आपको क्योंकि ये माइनस 2x है, तो जो हमारे दो फैक्टर्स हैं इनमें जो बड़े की वैल्यू होगी, जो बड़ा होगा उसका साइन हमारा माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर वो माइनस में आना चाहिए क्योंकि हमारा जो 2x है वो माइनस में. ठीक है, तो इसलिए हमने 4x को माइनस में रखा है और 2x को प्लस में रखा है क्योंकि 2x छोटा है 4x से, इसलिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x वापस से आ सकता है. तो अब क्या करना है हमें, तो सिंपली क्या करना है, अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है क्या है. तो इसमें हमारा कॉमन है x, अंदर बचेगा x माइनस 4x. ठीक है, और इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 4. तो आपको चेक करना है कि आपकी जो जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक जा रहा है. इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ गलती कर दी क्योंकि हमने दोनों में हमारा, आप देखेंगे दोनों में हमारा इसमें और इसमें हमारा कॉमन एक्स था, मैंने एक्स इसमें से ले लिया तो इस पर हमारा कुछ नहीं बचेगा. ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्स नहीं बचेगा 4 के साथ. अब क्या करना है आपको, कॉमन लेना आपने सीखा होगा क्या नाम है 8th क्लास में, तो इट्स वेरी इजी. और यहाँ हम क्या करेंगे, आप देखेंगे अब इसमें दोनों जो ये हमारे टर्म्स हैं इनमें हमारा कॉमन क्या है, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4. तो एक्स माइनस 4 को हम अंदर बाहर ले लेंगे, x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर बचेगा x प्लस 2. अब इसके जीरोस फाइंड करने का तरीके क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों को जीरो के बराबर में रख दो, इक्वल टू जीरो. तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 2 इक्वल टू जीरो. तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2. यानी कि हमारे दो जीरोज आ गए, 4 एंड माइनस 2. अब वेरीफाई कैसे करना है कोफिशिएंट के साथ इनकी रिलेशनशिप, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गाइस, कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा हमारे जीरोज है पॉलीनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोज होता है हमारा, सम ऑफ जीरोज होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा सी अपॉन ए. अब ये माइनस बी अपॉन ए क्या है, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, बी और ए क्या है इसमें, तो ये हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशेंट है. कैसे, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है. तो यानी कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारा ए होगा, x का कोफिशिएंट हमारा
एक्स का कोफिशियंट हमारा बी होगा और जो कांस्टेंट है वो हमारा सी होगा। तो आपको बस चेक करना है, तो हमारे जीरोस क्या है, 4 और -2। तो अगर हम उसे सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 -2। सम करेंगे हम इसे तो, क्योंकि माइनस का है 2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और दूसरी साइड अगर हमारा -b/a है, आप उसे चेक करेंगे तो -b, यानी कि b क्या है, b हमारा x का कोफिशेंट है, यानी कि जो है -2, और बाहर का पहले -2, इसमें माइनस हमारा साइन पहले से आ रखा है ये वाला, तो इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा a क्या है हमारा, x स्क्वायर का कोफिशेंट, यानी कि x स्क्वायर यानी कि इसका कोफिशेंट, इसका कोफिशेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कितना है हमारा, 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कितनी वैल्यू लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, यानी कि 1 आपको मान के चलना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आ जाता है, वो सेम नंबर वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ हमारा ये चीज़ होगी। तो अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ 2 आएगा, और राइट साइड में अगर इसमें सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/1 क्या होगा हमारा, 2, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे, उसी तरीके से। तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको यहाँ बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये रहा। तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 4 n - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी साइड हमारा c/a है, यानी कि कांस्टेंट जो है हमारा 8 है, इसको पुट करेंगे यहाँ, -8/, और एक्स को a कितना है हमारा, -1 है, ठीक है। तो a पुट कर देंगे हम यहाँ, तो यानी कि लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा आ जाएगा -8, और राइट साइड भी आ जाएगा हमारा -8, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुके थे। तो हम कह सकते हैं, दस वी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशियंट। बस ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। फाइन, सो आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अब हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं, सो लेट मी नो इफ यू कैन सॉल्व इट, इफ यू नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व इट, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन पहले सबसे पहले आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले वीडियो जाके देखे फिर सॉल्व करें, पहले आपको अपने आप सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो जाके देखनी है। फाइन, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय।